Ricardo Torres. बाबा मेरी कौन कौन चाहता है? मैं माफी चाहता हूँ, आजकल हाथ तो ऊपर उठाने की नीचे करवाने की आदत आजकल हो गई है। जिसको कोई दिक्कत ना हो वो उठा ले, बाकी ना उठाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम बोल रहे हैं काली माता की, सच्चे दरबार की। अरे हाथ उठा लेंगे।
एक दया की कब दोगे मेरी मेरी सुध प्रभु कब लोगे मेरी सुध प्रभु कब लोगे एक दया की कब दोगे ओ भीख दया की कब दोगे मेरी सुध प्रभु कब लोगे मेरी सुध प्रभु कब लोगे भैया पहले जय श्री श्याम उसके बाद भी कहां से कौन क्या है ना क्योंकि आप तापिन कितने आराम जी मेरी तापिन कितने आराम जी मेरी राखों के ला इसीलिए तो कहना है इसीलिए कहना है क्यों बीच भवर में नैया कन्हैया मिलकर के कहेंगे नैया कन्हैया पार करो मेरी नैया कन्हैया पार करो मेरी कन्हैया Yeah, boy.
भैया से, आशीष भैया से हुई, नवीन भैया से हुई, तो मैंने कहा कि कीर्तन किस हिसाब से, पर भैया बैठ जाइए शांति बनाए करके, बाबा का दरबार है। अभी तो भाव सुन रहे थे पर अभी भाव में भूल गए। तो भैया ने कहा भैया आराम से आइए, मौसम का खराब है और बड़ी दुविधा हो रही है, लेकिन इसकी कृपा है। तभी तो दुर्गाई ने क्या लिखी है कि प्रभु सुहाना मौसम भी हो गया। इसीलिए कहा है भारी तूफान डगर में, है भारी तूफान डगर में और किनारा दूर, और किनारा दूर बीच पवन में है नैया कन्हैया पार करो, क्यों बीच पवन में है नैया कन्हैया पार।